हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर यूट्यूब चैनल फार्मर के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व जी सक्सेस टेस्ट सीरीज एंड दिस इज अवर पार्ट 67 वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ ए जी टेस्ट सीरीज सो दिस इज अवर पार्ट 67 वीडियो एंड वी विल सॉल्व सम मोर एम सू विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन दिस टेस्ट सीरीज सो लेट्स इन दिस लेक्चर so be updated with the farmer knowledge for that subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. rocks get the links in the description box regarding test series so download this app PharmaRox rocks android application on google play apple iphone app on app store and start your test series for gpat niper din pharmacist exam study material test series video lecture and

फुल कंटेंट हाउ मच कि जो हम अलग अलग कन्वर्जन सीखते हैं उसके अंदर जैसे टी टी स्पून फुल टेबल स्पून फुल कॉफ़ी कप फुल तो वाइन ग्लास फुल तो ऐसे ही वन कॉफ़ी कप फुल कंटेंट द हाउ मच एम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्टी एम तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि फाइव एम इक्वल टू होता है वन टी स्पून या फिर वन टी स्पून होता है इक्वल टू द फाइव एम एल फिर वन टेबल स्पून है तो वो होता है फिफ्टीन एम एल वन कॉफी कप फुल कॉफी कप फुल वो होता है थर्टी एम एल एंड वन वाइन ग्लास फुल होता है इक्वल एन टू दिक्सटी एम एल तो ये कन्वर्जन आपको अच्छे से याद रखने हैं बहुत सारी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते तो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ये टेम्पल आपके लिए है मोस्ट आई कि जिसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस द ऑप्शन आर एस्ट्रोजन पिटोसिन एंड्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन तो क्वेश्चन ये है कि जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस uh, में से कौन से हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं कि हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस तो उसका सही आंसर है एंड्रोजेंस ऑप्शन नंबर सी एंड्रोजेंस तो द प्रीडोमिनट एंड मोस्ट एक्टिव एंड्रोजन इज टेस्टिस्टेरॉन एंड्रोजन टेस्टि है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेल टेस्टिस कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस में से रिलीज होता है एंड्रोजन्स और उसमें से मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड्रोजन जो हम कहे तो वो है टेस्टेस्टेरॉन की जो टेस्टिस में से जो सीक्रेट होता है वो टेस्टेस्टेरॉन तो द अदर एंड्रोजन्स विच सपोर्ट द फंक्सन ऑफ टेस्टेटेरॉन आर प्रोड्यूस मेनली बाई द एड्रीनल कॉर्टेक्स द आउटर पोर्सन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड तो ये एक आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो दूसरे एंड्रोजेंस से कि जो सपोर्ट करते हैं टेस्टेस्टेरॉन के फंक्सन को वो प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में से जबकि मेन जो टेस्टेस्टेरॉन है वो टेस्टीज में से रिलीज होता है एंड वो भी एक टाइप का एंड्रोजन है बट उसको कहा जाता है द प्रीडोमिनेंट एंड मोस्ट एक्टिव कि जो मेल टेस्टिस होते हैं उसमें से ये रिलीज होता है क्वेश्चन नंबर थ्री वन एम एल कंटेंट्स द हाउ मच ड्रॉप फाइव ड्रॉप्स टेन ड्रॉप्स सिक्स सेवनटीन ड्रॉप्स और ट्वेंटी एट ड्रॉप कि आपने ये तो सुना क्वेश्चन uh, तैयार किया होगा कि वन एम एल इज इक्वल टू हाउ मच ये क्वेश्चन है यहां पर वन एम एल इज इक्वल टू हाउ मच ड्रॉप्स तो एक एम एल समझो कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है कोई भी सॉल्वेंट है तो उसके अप्रोक्सीमेट कितने ड्रॉप्स तैयार होंगे तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी की जो है सेवनटीन ड्रॉप्स तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखते हैं तो ये रिलेशनशिप हमें पता है ऑलरेडी आप सभी ने सीखा है कि वन ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम ये आपको रिलेशनशिप हमेशा याद होनी चाहिए कि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम इज इक्वल टू वन ड्रॉप मतलब कि एक ड्रॉप में इतना एम कंटेंट होता है तो समझो कि एक ड्रॉ एक कैमएल है हमारे पास तो उसके अंदर कितने ड्रॉप्स होंगे तो वन इंटू वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन बाय जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और वो आंसर आपको मिलेगा सेवनटीन ड्रॉप्स वो आंसर हमें मिलेगा सेवनटीन ड्रॉप्स तो इस तरह से जब आपको ये वाला कन्वर्जन याद होगा तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाती है क्वेश्चन नंबर फोर साइट फॉर मॉन्टेक्स टेस्ट इज ऑप्शन दिए है आउटर क्वारंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस डेल्टोइड रीजन पोस्टेरियर लेफ्ट फॉराम और ऑप्शन डी एंटेरियर लेफ्ट फॉराम की जो मॉन्टेक्स टेस्ट स्पेशली हम परफॉर्म करते हैं फॉर ट्यूबरक्युलेसिस टी के लिए जो परफॉर्म की जाती है तो उसकी जो साइट है ऑप्शन नंबर डी एंटेरियर लेफ्ट फॉर की टी के लिए जो स्किन टेस्ट की जाती है तो ये है आपका फॉराम एंड उसका ये एंटेरियर यहाँ पे कि जो नीडल से उसके टेस्ट की जो साइट है मॉन्टेक्स टेस्ट की वो है एंटेरियर लेफ्ट फाराम मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन एज वेल एज मोस्ट आई एम पी टेस्ट कि मॉन्टेक्स टेस्ट इज परफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज परफॉर्म फॉर द ट्यूबरकोलेसिस की जो टी बी जो होता है उसके कन्फर्मेशन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है साल्कोज की टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लिसरॉल फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की साल्कोस की टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट आंसर इज द कोलेस्ट्रॉल तो ये वाला टेबल आपका लिए है पिन पॉइंट टेबल दिस इज योर मेन इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट टेबल कि जिसके अंदर आपको देखिए यहां पे दिए कि टेस्ट फॉर फाइटोकेमिकल ग्रुप और रिएजेंट सामने तो समझो कि रिड्यूसिंग शुगर है आपके पास तो उसके लिए आप फैलिंग टेस्ट या फिर बेनेटिक्स टेस्ट परफॉर्म करोगे कार्बोहाइड्रेट है तो बारफाइड टेस्ट परफॉर्म की जाएगी अल्किलॉइड्स के लिए मेयरस टेस्ट ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट वगैरह है स्टेरॉइड जो होते हैं स्पेशली कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो उसके लिए लिबरमैन बुच्चा टेस्ट एंड साल्कोस टेस्ट टेनिन है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट गम है तो मॉलिस टेस्ट फ्लेवेनोइड्स के लिए सीनोडा टेस्ट एंड अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट एंड सैपोनिन के लिए फ्रोथिंग टेस्ट तो ये है आपके लिए मोस्ट आईएमपी। अगर आप जीपेट के ओल्ड पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें से आपको ये टेबल में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देखोगे कि फ्लेवेनोइडस की टेस्ट पूछी गई है एज वेल एज लिबरमैन बुच्चर टेस्ट के बारे में पूछा गया है ऑल्सो अबाउट द मेयर टेस्ट बेनिक टेस्ट रिड्यूसिंग सिगर के लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है सो दीज आर द मोस्ट आई एम पी टेबल फॉर यू क्वेश्चन नंबर सिक्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ परटूसिस वेक्टर ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फिक्यूरल तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो पर्टूसिस कहते हैं कफ तो कफ जो है उसको हम पर्टूसिस कहते हैं कि जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कि समझो कि ये वाला जो पर्सन है इसके ये ड्रॉप्स के थ्रू इसके ये ड्रॉप्स के समझो कि ये पर्सन कर रहा है स्नीजिंग तो स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉप्स जो एयर के अंदर फैलेंगे तो ये ड्रॉप्स के सामने या फिर वो कॉन्टेमिनेटेड एयर के कॉन्टेक्ट में जो भी दूसरा पर्सन आएगा वो ब्रीथिंग करता है तो वो जो है कि जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्टूसिस ये बॉर्डेटेला पर्टूसिस ये ड्रॉप्स के अंदर होते हैं और सामने कोई पर्सन जो है वो समझो कि वो ये कॉन्टेमिनेटेड एयर के जो ड्रॉप्स है वो उसके ब्रीथिंग में लेता है तो वो पर्सन भी इंफेक्टेड हो सकता है तो इट इज कॉज बाय बैक्टीरियम बॉर्डेटेला पर्टूसिस पर्टुसिस नोन फॉर अनकंट्रोलेबल वायोलेंट कफिंग तो ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफिंग विच इन ऑफंस मेक इट हार्ड टू ब्रीथ तो वह है पर दूसरे वर्ड में उसको कहा जाता है वो पफ तो मोस्ट आई एम पी है आपके लिए अच्छे से यह पॉइंट आपके कॉपी के अंदर नोट डाउन कर दीजिए रिकॉर्ड बुक के अंदर खास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन फोटो सिस्टम टू अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स ट्रोमा साइटोक्रोम ग्राना और माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका सही आंसर है ग्राना तो यह है एक्सप्लेनेशन कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स अकर ए क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस अकर इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस इन द क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर सबसे पहले जो ग्राना का जो एरिया है कि जिसको हम कहते हैं थाइलेक्ट्स कि जिसके अंदर फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चौन की जिसको हम कहते हैं इले e सी ये तीन होते हैं ग्राना के अंदर और ये जो स्ट्रोमा का जो रीजन है कि ग्राना के सिवा का जो भी रीजन स्ट्रोमा जो कहते हैं वहाँ पे होता है ये कैलविन साइकिल तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्राना की जो थाइलेकोइड्स होते हैं इस तरह से जैसे कि हम क्वाइंस एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक क्वाइंस रखे और जैसे जो स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म होता है उसको कहा जाता है ग्राना और तो उसके अंदर फोटो सिस्टम टू वन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस होती है और ये जो स्ट्रोमा का रीजन है वहां पे होता है स्पेशली कैलविन साइकिल तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से आपको याद रखने हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर एट द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबिस वॉज डेवलप बाय लुइस पास्चर एडवर्ड जेनर कार्ल लैंगस्टिनर और जोसेफ मिस्टर एंड द राइट आंसर इज द लुइस पास्चर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लुइस पासचर की जिन्होंने सबसे पहले डेवलप की रैबिस की वैक्सीन तो वर्चुअली ऑल इन्फेक्शन विथ रेबिस रिजल्टिंग इन डेथ अंटिल टू फ्रेंच साइंसिस लुइस पास्चर एंड एमिल रॉक्स डेवलप द फर्स्ट रेबिस वैक्सीनेसन इन जुलाई 6, 1885. तो 1885 जुलाई से पहले जितने भी रेबिस के जो इन्फेक्शन होते कि जो रेबिस वायरस है एक टाइप का कि जो स्पेशली एनिमल बाइट्स एनिमल बाइट्स और उसमें भी समझे कि, कि किसी को डॉग बाइट हुआ है कैट है ऐसे जो एनिमल्स है उनके जो बाइट्स के कारण ये वायरस जो है वो फैलता है कि समझो कि वो डॉग या कैट के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है और वो इन्फेक्टेड डॉग समझो कि आपको बाइट कर लेता है तो ये रेबिस वायरस आपके बॉडी में भी एंटर हो सकता है और उसके कारण रिजल्टिंग आगे जाके पेशेंट की डेथ होती है बट जब से ये रेबिस के वैक्सीन डेवलप हो गई कि रेबिस वायरस के सामने जो वैक्सीनेशन डेवलप की बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर एंड एमिल रॉक्स दिस वैक्सीन वाज फर्स्ट यूज ऑन ह्यूमन ऑन जुलाई सिक्स 1885 एटी 9 और नाइन ईयर ओल्ड जोसेफ मिस्टर की जोसेफ मिस्टर करके नाइन ईयर ओल्ड का जो एक बच्चा था उसके ऊपर सबसे पहले ये वैक्सीन का जो है वो अप्लाई की गई एंड वो हैड बीन मोल्ड बाय रैबिट डॉग कि डॉग बाइट हुआ था उसको और ये वैक्सीनेशन जो है उसको दी गई सिक्स जुलाई एटीन एटी फाइव और ये था फर्स्ट वैक्सीन यूज ऑफ द रैबिस तो ये थी कुछ काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए रिगार्डिंग रैबिस वैक्सीन आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ल्यूगॉल सॉल्यूशन इज एक्वियस आयोडीन सॉल्यूशन वीक आयोडीन सॉल्यूशन एल्यूमिनियम एसिटेड सॉल्यूशन और क्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्वियस आयोडीन सॉल्यूशन सो एक्वियस आयोडीन का सॉल्यूशन मतलब कि आयोडीन का सॉल्यूशन प्लस यहां पे प्रेजेंट होगा वॉटर प्लस साथ में इसके अंदर प्रेजेंट होता है के आई तो जानते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कि ये जो ल्यूगोल्स आयोडिन सॉल्यूशन ल्यूगोल्स आयोडिन सॉल्यूशन के जिसके अंदर होता है एलिमेंटल आयोडिन फाइव परसेंट एंड पोटेशियम आयोडाइड टेन परसेंट होता है एंड टू गेट दर वेट डिस्टिल वाटर. तो यहाँ पे एज अ हम सॉल्यूट है कि सॉल्यूट दो है यहाँ पे या फिर मेन सॉल्यूट जो हम कहें मेन सॉल्यूट तो वो रहेगा फाइव परसेंट और उसके साथ सॉल्वेंट के तौर पे है वाटर और ये वॉटर के अंदर ऑलरेडी होगा के आई पोटेशियम आयोडाइड तो इस तरह से तैयार होता है ल्यूगॉल सॉल्यूशन की जो स्पेशली यूज होता है आयोडीन की डेफिशेंसी के अंदर और टेकन बाय माउथ एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द थायरोटॉक्सिकोसिस टॉक्सिकोसिस कि थायरॉयड ग्लैंड रिलेटेड जो अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम ये ल्यूगोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अनटिल द सर्जरी कैन बी कैरिड आउट प्रोटेक्ट दायरोड ग्लैंड फ्राम रेडियो एक्टिव आयोडिन एंड टू ट्रीट द बिकॉज स्पेशली उसके अंदर आयोडीन है और आयोडीन की समझो किसी को डेफिशेंसी है तो ल्यूगोल सोल्यूशन जो है वो बेस्ट मेडिसिन का काम करता है आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट बेरी बेरिक्वियरकोर मरासमस और प्रोटीन एनर्जी माल तो माल न्यूट्रिशंस के अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए और उसमें से कौन सा माल न्यूट्रिशन नहीं है तो वो है बेरी बेरी बिकॉज जो बेरी बेरी है वो होता है विटामिन बी वन की डेफिशंसी के कारण कि जो हम विटामिन बी वन थाइमिन कहते हैं ऑल्सो नोन एज अ था और उसकी डेफिशियंसी से होता है ये बेरी बेरी जबकि क्वासियोरकोर मरासमस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वगैरह माल न्यूट्रीशंस रिलेटेड डिसीज है तो ये था हमारा जीपेड सक्सेस टेस्ट सीरीज जीपेड टेस्ट सीरीज हमारी हाँ फार्म की ऐप ऊपर भी आप सॉल्व करिए कि जहाँ पे आपको सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ के अंदर वन ईयर तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है हर दिन एक नया टेस्ट 365 टॉपिक वाइज टेस्ट इन थ्री टेस्ट यू विल गेट एम सॉल्यूशन एक्सप्लेनेसन प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एंड इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट So, you will also get your instant tweet rank, proper result analysis, and instant taste result. To so get this facility on their Rocks Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store.